ठीक। तो अब हमने करना था म्यूटेशन। म्यूटेजन्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच कॉज म्यूटेशंस। मेनली हम बात करते हैं कौन से म्यूटेशन? जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेजन मेनली कॉजेस जीन म्यूटेशन। टाइप्स क्या है म्यूटेजन? फिजिकल म्यूटेजन एंड केमिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन जैसे बेटा आजकल है ना, आजकल बहुत लोग कोविड के टाइम पे क्या करवाया, मैक्सिमम लोगों ने सीटी स्कैन करा लो, थोड़ी सी मतलब वैसे ही वीकनेस के कारण भी थोड़ी सी ब्रीदिंग आ गई ना, या ड्राई थोड़ा सा कफ बन गया, सीटी स्कैन कराओ सीटी स्कैन कराओ। कोई नहीं ना, किसी को भी नहीं पता है ना हम कौन सा मेडिकोज है। अच्छा जैसे मुझे अगर कोई खांसी होगी तो मेरा साथ वाला जो मेडिको नहीं है, आपने सिटी स्कैन करवाया कि नहीं करवाया? बट सिटी स्कैन, कैन यू टेल मी कि सिटी स्कैन में क्या चीज यूज होती है? एनीबडी? यस हर्षप्रीत अर्णव, सिटी स्कैन में क्या यूज होता है? सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? सिटी स्कैन की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना। एक तो हम सिंपल एक्सरे करते हैं, एक एक्सरे किया, एक होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी हाई रेडिएशन हाई पावरफुल एक्सरेज हम यूज करते हैं, राइट। तो बहुत हाई डोज होती है एक्स रेडिएशन की, एक्सरेज की। तो एंड इट इज इक्वलेंट टू, वन सिटी स्कैन इज इक्वलेंट टू 300 एक्सरेज, ठीक है। इतनी पावरफुल, देखो जिसको प्रॉब्लम है, जिसकी मतलब बहुत ज्यादा लंग्स डैमेज है, उसका तो बेचारों को अब रिवर्स करना है लंग डैमेज को, तो सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा। बट ऐसे नहीं, क्योंकि एक्सरेज आर म्यूटेजन्स। तो आज जो धड़ाधड़ सिटी स्कैन हुए है ना, उससे किसको फायदा हुआ है? सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट को फायदा हुआ है जिनको पैसे बने, ठीक है। बट मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि जो समझदार डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट भी है, तो वो पहले पूछ लेते थे कि किसने तुम्हें रेफर किया है कि सिटी स्कैन करो। तो कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं जी हमने तो खुद ही, हमारा कोई सांस नहीं आ रहा था, हमने कहा सिटी स्कैन करा लो। तो अच्छे रेडियोलॉजिस्ट मैंने चंडीगढ़ में देखा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मना किया कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा तो बच्चा है अभी, ये मतलब 17-18 साल के बच्चे हो, 12-13 साल के बच्चों ने भी लेके जा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है अभी सिटी स्कैन की, जब कोई डॉक्टर कहेगा तब सिटी स्कैन करवाने आना। ऐसे हमारे रिलेशंस में हुआ, ठीक है। तो डॉक्टर्स वैसे तो रेडियोलॉजिस्ट, बट कई जगह ऐसे भी सिटी स्कैन सिटी स्कैन सिटी स्कैन, और उसमें क्या होता है, इतनी रेडिएशन है, और उसका आज नहीं मतलब आज तो हमें लगता है हमने 2 बार सिटी स्कैन करवा लिया, हमने चेस्ट देख ली, ये कर लिया, हमें सब कुछ दिख गया ऐसे वैसे, बट उसका 10 साल बाद 20 साल बाद क्या रेपरकशंस आएंगी ये हमें नहीं पता, बिकॉज एक्स रेडिएशन एक्स रेज आर स्ट्रॉन्ग म्यूटेशन। यू नो इन 1984 वी आर 4 पीपल इन अवर फैमिली, मी माई सिस्टर माई फादर एंड मदर, 4 लोग थे हम लोग। स्कूटर पे उस टाइम बहुत हमारा स्कूटर था, छोटे छोटे हम लोग थे, तो हम स्कूटर पे जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, एंड समहाउ एक बस ने हमें टक्कर मारी स्कूटर पे, एंड ऑल ऑफ अस वर बैडली इंजर्ड, ठीक है, फ्रैक्चर्स, चलो तो छोड़ हमारे सिर को कुछ नहीं हुआ, बट हमारी टांगों में बाजुओं में फ्रैक्चर्स हो गए, ठीक है। तो माई फादर एंड मदर, हम बच्चे थे इसलिए शायद थोड़ा सा ज्यादा बच गए, है ना, इतनी ज्यादा मेजर चोटें नहीं लगी, बट मेरे फादर और मदर को ज्यादा। तो हमें हर टाइम ये लगता था कि महीने बाद एक्सरे करवा लो, एक्सरे, डॉक्टर नहीं कहता था
हमें खुद को लगता था एक्सरे करवा लो एक्सरे करवा लो, और पीजीआई में क्योंकि ट्रीटमेंट पीजीआई में चल रहा था और एक्सरे वाले टेक्नीशियन करते नहीं थे, हमने सिफारिशें भी लेके जानी करना एक्सरे भी, हमें ना गुस्सा आता था उन टेक्नीशियंस पे, बट वो प्रॉपर क्योंकि वो शायद हमें समझा नहीं पाते थे या हम प्रॉब्लम में थे हम समझ नहीं पाते थे, बट वो इसलिए नहीं करते थे बिकॉज एक्स रेडिएशन आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है? तो इसलिए क्यों गुड फॉर हेल्थ नहीं है, क्योंकि वो म्यूटेशन कर देती है, और बहुत सारी ऐसी म्यूटेशन होती है विच लीड्स टू वन और द अदर फॉर्म ऑफ कैंसर, ठीक है? आजकल कैंसर बहुत जो है वो कॉमन हो गए हैं क्योंकि म्यूटेशन बहुत आ रहे हैं, केमिकल्स हम पानी में, डाई इंडस्ट्री या जितनी लुधियाने की इंडस्ट्री है वो सारे केमिकल्स जो है ना वो पानी में छोड़ रही है, और पंजाब में वो पानी जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, वही बच्चे पी रहे हैं, वही यहाँ फिरोजपुर साइड चले जाओ वहां मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हुए पड़े हैं, उनको देख के इतना दुख होता है, क्यों? क्योंकि वही पानी से वो खेती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से इतनी सारी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं, इतने केमिकल म्यूटेशंस है कि कैंसर वहां पे बहुत कॉमन हो गए, ठीक है? तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं, हमें अपनी फसलों में भी नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है? क्योंकि वही तो हम भी तो वही खाएंगे, अगर हम अपने खेत में वही चीजें यूज कर रहे हैं तो खाना हम अपने खेत में तो कह देंगे कि हमने जी ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, बट सारी तो हम अपने खेत से नहीं खा रहे, कुछ तो दूसरे खेतों से भी लानी पड़ेगी, वो तो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है? तो दीज आर हार्म, तो फिजिकल म्यूटेजेंस एंड केमिकल म्यूटेजेंस। फिजिकल म्यूटेजेंस में हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्सरे, गामा रे, यूवी रे किया जाती है, बट यूवी रेज कई टाइप की होती है, जो हाई एनर्जी यूवी रेज है दे कॉज यू नो म्यूटेशन। अनदर इज हाई टेम्परेचर, आपने बेटा कांगड़ी का नाम सुना है? एनीबडी? भव्या आपने सुना कांगड़ी का नाम? किस चीज में कह रहे हो? वैसे कांगड़ी का नाम, एक तो कांगड़ा जगह है वो, नहीं कांगड़ी नाम सुना है वैसे? मैंने तो जगह ही सुनी है मैम, कांगड़ा है ना। एक मिठाई का नाम है कांगड़ी। किसका नाम है? मिठाई नहीं, मिठाई नहीं बेटा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जे एंड के में इतनी ठंड पड़ती है तो लोग गर्म करने के लिए क्या करते हैं? आग लगाते हैं। आग तो लगाते हैं वो बेटा, जो वो एक कश्मीरी फिरन नहीं होता जो ऊपर से वो गाउन डालते हैं, फिरन है ना, हाँ, तो वो क्या करते हैं कि वो उसके नीचे छोटी छोटी अंगीठियां होती है, हाँ गाउन के अंदर, जो वो अंगीठियों को ना वो गाउन के अंदर रख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है अगला, ठीक है, उसे कांगड़ी बोलते हैं कि कांगड़ी रख ली, वो जो छोटी छोटी अंगीठियां है वो कांगड़ी, तो वो हाई टेम्परेचर बॉडी तो गर्म रखती है ऑब्वियसली, बट वो स्टमक के पास उनका एब्डोमेन के पास जो है वो बहुत टेम्परेचर हाई रहता है, एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल, बिल्कुल ठीक है ना, कश्मीरीज जो है ना श्रीनगर के ऊपर वाले जो है जो ये लोग ऐसा करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम है। तो एक ढूंढा गया है कि इट मे बी द हाई टेम्परेचर विच मे कॉज म्यूटेशन एंड which further leads to cancer, right? So these are physical mutations, ठीक है? Cancer एक जो हमें दिख रहा है, otherwise अंदर जो genes में mutations हो रही है उनके आगे future generations में क्या फर्क पड़ेगा? That is the difference. मैम इसमें radiations होती हैं? इसमें बेटा कांगड़ी में? Yes, मैम वो lanterns क्या है क्या? जो छोटी छोटी अंगीठियाँ होती हैं ना बेटा कोयला सा डाल के रखते हैं। Yes, ma'am. उसमें बीच में थोड़ी सी आग जला देते, ये नहीं कि आग लग जाती है कपड़ों को, पर धीरे 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 हीट निकलती रहती है जिससे बॉडी गर्म रहती है, रेडिएशन तो नहीं है, ठीक है, बट हाई टेम्परेचर है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन में क्या क्या है? दैट इज नाइट्रस एसिड,
एल्काइलेटिंग एजेंट्स such as mustard gas, then acridin dyes, ये आपको chemistry वाले ज्यादा बताएंगे कि acridin dyes आप पढ़ोगे chemistry में, ठीक है. And another is base analogs. These are the chemical notation. Nitrous acid, HNO2. पहले यहां तक लिख लो, फिर मैं इसके साथ साथ ही आपको लिखवाती हूँ. Write down this. Next देखिए, ये एक एक करके लिखाऊंगी, फिर पहले ये देख लेना. It is deaminating agent. Deaminating का मतलब होता है that is remove amino group from nucleotides. आपको पता चल गया, adenine, guanine, right? Then cytosine, uracil, these are nucleotides. तो ये deaminating agent है. तो क्या रिमूव कर रहे हैं? ये रिमूव कर रहे हैं अमीनो एसिड, सो दैट फर्स्ट है साइटोसिन चेंजेस टू यूरेसिन. सेकेंड है adenine changes to hypoxanthine. Hypoxanthine एक modified base है, nitrogen base है, ठीक है जी. तो therefore यहां पे हम कहेंगे therefore अगर साइटोसिन सी, लेट अस से सी ए बेस पेयर है, साइटोसिन एंड यूरेसिल, सॉरी साइटोसिन एंड एडेनिन, इट चेंजेस टू, किसमें चेंज हो गया, यूरेसिल एंड हाइपोजेंथिन. इज इट राइट? ठीक है, नहीं तो क्या था, ये डीएनए था सी ए से. और इसका जो दूसरा आएगा यहाँ पे साइटोसिन से गुआने एंड थाइमिन, इसी तरह बेस पेयरिंग होती है. अब इसमें म्यूटेशन होगी, साइटोसिन किसमें चेंज हो गया, यूरेसिल में, एडेनिन किसमें चेंज हो गया, हाइपोजेंथिन. यूरेसिल किसके साथ पेयर करता है, एडेनिन के साथ, और हाइपोजेंथिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ. तो इसलिए सीए गेट्स चेंज्ड इनटू यूएच व्हिच फर्दर पेयर्स विद एसी रादर देन जीटी. इज इट ओके, समझ में आई है मेरी बात कि नहीं? कि दोनों स्ट्रैंड्स चेंज तो एक स्ट्रैंड में हुआ था, बट जब रेप्लिकेशन हुई तो दूसरा स्ट्रैंड खुद ब खुद चेंज हो गया. यस और नो? जब रेप्लिकेशन हुई दूसरा स्ट्रैंड बना, ठीक है, अभी हम बताएंगे. तो सीए ने किसके साथ पेयर किया, एसी के साथ, ठीक है. आप सिंपल अगर आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो तो इतना ही याद कर लो बस, और बहुत ज्यादा ये भी नहीं कोई पूछता, इतना इम्पोर्टेंट है. दिस इज इम्पोर्टेंट कि डीएमिनेटिंग एजेंट है, नाइट्रस एसिड इज डीएमिनेटिंग deaminating agent which changes the nucleotide. Is it okay? ठीक है, next आ जाता है बेटा, या पहले ये लिखो फिर आगे करते. हमने ज्यादा इनके बारे में नहीं लिखना, क्या है क्या नहीं किस तरह से,
बट एल्काइलेटिंग एजेंट ऑब्वियसली एल्काइल ग्रुप अटैच करेगा नाइट्रोजन बेसिस से, ठीक है? तो ये क्या करता है, प्रिवेंट्स रेप्लिकेशन, डीएनए को डबल नहीं होने देता। एक्रिडिनडाई कॉजेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, बेसिस को चेंज कर देता है। बेस एनालॉग बीच में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, इसलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इज इट ओके? ठीक है। और एक थर्ड टाइप के म्यूटेजन और लिख लो, दैट इज थर्ड टाइप, उसके साथ ही लिख लेना, बायोलॉजिकल म्यूटेजन। These cause mutations. ठीक है, लिखो ये जल्दी से। तो नाइट्रस एसिड भी सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन करती है, मिस पेयरिंग करती है, ठीक है? तो सब्सटीट्यूशन हो गई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर, और हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ड्यू टू जीन म्यूटेशन। अब हमारे पास दो टाइप की है, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल, और यू कैन से sex linked genetic disorders. मतलब वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसके जो डिसऑर्डर्स है दैट आर सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और ये है ऑटोसोम। बाकी के सेक्स क्रोमोसोम्स पे नहीं, बाकी के। ये फर्दर दो टाइप के हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स और अनदर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। पूरा लिखना है आपने इसी तरह से। यहाँ पे भी सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट genetic disorders. Most of the disorders are recessive disorders. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले example लिखते हैं। It is alkaptonuria, phenylketonuria, sex disease, then sickle cell anemia, thalassemia। ये मैं कॉमन वाले बता रही हूँ जो हमने करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, दैट इज पॉलीडेक्टाइली
another is Huntington's Korea. है तो और भी बहुत, बट ये दो कॉमन है, दैट इज पॉलीडेक्टाइली एंड हटिंगटन्स कोरिया. अनदर इज, एक और आ जाता है जो आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. अनदर इज एनीरिडिया. उसके बाद आ जाता है सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर. इसकी एग्जाम्पल आ जाती है हीमोफीलिया, जिसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी कह देते हैं, जहां पे अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बनता, जिसके कारण अगर छोटी सी चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता. अनदर इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. अनदर इज नाइट ब्लाइंडनेस. रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दैट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. अनदर इज नाइट ब्लाइंडनेस, मींस दिन में तो दिखता है बट रात में नहीं दिख पाता. अनदर इज डी यू सी एच ई डबल एन ई ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. दिस इज ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी भी इसको बोलते हैं, डीएमडी, राइट. एंड देयर इज, यहाँ पे एक मैं बता देती हूँ, जी सिक्स पी डी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, राइट. सो दीज आर द वेरियस डिसऑर्डर्स. एक बार चार्ट बनाओ, फिर हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. बेटा ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और ये सब इनहेरिट हुए हैं बच्चों को पेरेंट्स से, ठीक है, इसलिए इनबॉर्न डिसऑर्डर्स है, ठीक है. तो नीचे लिखो ऑल दिस दीज डिसऑर्डर्स, all these disorders are the inborn genetic disorders. By birth hai ye, express kab hua, that is a separate issue. Inborn genetic disorders which are transmitted from parents to their offspring. मैं मेरे को शोर से बोलना प्लीज. All these diseases are genetic disorders which are inborn. Inborn means by birth. Which are inborn diseases and are transmitted. Yeah, and are inherited from the parents. They are transmitted from parents to their progeny. Okay. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. एल्केप्टोन्यूरिया इज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. है तो जेनेटिक ही है,
inborn metabolic disorder. मैम आवाज कट रही थी मैं फिर से बताऊंगा. Alkaptonuria was the first. Was the first inborn genetic metabolic disorder. Discovered and described by Garrett. Who is known as father of human genetics. Who is known as father of human genetics. ठीक है जी. The disease, क्योंकि ये autosomal recessive है, ठीक है. The disease is expressed only alkaptonuria में लिखे या पहला disease लिखे alkaptonuria. First disease है alkaptonuria. Caused due to recessive abnormal gene. Abnormal को आप mutated gene भी लिख सकते हैं. Mutated gene when present in homozygous form. ठीक है. ये तभी डिजीज होगा अगर म्यूटेटेड जीन वो होमोजाइगस फॉर्म में हो. मतलब आप कह सकते हो ए ए हेट्रोजाइगस जो है इंडिविजुअल दैट इज कैपिटल ए small a are normal but carriers of alkaptonuria. Carriers होंगे वैसे तो normal है क्योंकि capital A जो normal gene है वो express कर रही है. ये तो express ही नहीं कर पा रही. ये जब homozygous form में तब disease cause करती है. Is it clear? So gene A forms enzyme homogentisave oxidase which causes metabolism of tyrosine. Tyrosine, you know, amino acid. Amino acid में आगे metabolism करना है उसके लिए कौन सी जीन चाहिए? Homogentisate oxidase. म्यूटेटेड ए ए अगर ये आ जाए नो एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज नहीं बनेगा. टायरोसिन चेंजेस इनटू होमोजेंटिसिक एसिड.
और एल्केप्टोन्यूरिक एसिड एक ही बात है. Which initially is excreted in urine. थोड़ा थोड़ा तो but later gets deposited in joints. और क्या करते हैं मेनली ज्वाइंट पेन ज्यादा करते हैं. इज इट ओके? कैसे पता चलता है बेटा मेन इसका क्या है? वैसे ही बता दूं, पूछता तो ज्यादा कुछ नहीं बट लिख भी लेना चाहे कि जब वो यूरिन में यूरिन हैविंग होमोजेनेटिक एसिड व्हेन गेट्स एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन जैसे ही बाहर आता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन द यूरिन टर्न्स ब्लैक. ठीक है, एकदम काला सा हो जाता है तो उससे ज्यादा पता चलता है. यूरिन टेस्ट करते हैं बाद में, चेकिंग बाद में होती है बट कोई कहता है हमारा यूरिन का ऐसा होता है तो फिर उसका हम देखते हैं कि इसको शायद एल्केप्टोन्यूरिया हो तो जेनेटिक चेकअप इसकी कराओ. ठीक है, लिखो पहले ये. नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया. ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है. लेट अस से यहाँ पे भी पीपी है तो नॉर्मल है. होम एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम है अगर और ये भी नॉर्मल है होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट तो ये नॉर्मल है. तो ये क्या करते हैं अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन ये अमीनो एसिड ही है एंजाइम है ये वाला फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंड इट गेट चेंज्ड इनटू टायरोसिन एंड टायरोसिन फर्दर गेट चेंज्ड इनटू मेलेनिन पिगमेंट. इफ म्यूटेटेड ये हो जाएगा नो एंजाइम नो हम कह सकते हैं आप ये मत सोचना कि कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा. कौन सा नहीं बनेगा नो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज आपने पूरा लिख लिया. ठीक है ये एंजाइम नहीं बनेगा देयरफॉर ये वाला फिनाइल एलेनिन चेंजेस इनटू एबनॉर्मल फिनाइल पाइरूविक एसिड इट चेंजेस इनटू फिनाइल पाइरूविक एसिड. ठीक है ये टायरोसिन में नहीं चेंज होता पायरूविक एसिड में चेंज हो जाता है. विच एक्यूमुलेट्स इन ब्रेन कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन. Inability of child to
टू वॉक सिट एक्सेट्रा, क्योंकि ब्रेन ही खराब हो रहा है, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है. फर्दर नो मेलानिन, देयरफॉर नो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर एक्सेप्ट. ये सब हो जाता है. तो दिस इज अबाउट फिनाइल कीटोनिन. ठीक है जी, करूंगा. नेक्स्ट आ जाइए टे सेक्स डिजीज. अब हम ज्यादा नहीं इनके बारे में करेंगे, बस फटाफट से. टे सेक्स डिजीज अगेन रिसेसिव, वही है रिसेसिव डिसऑर्डर. होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस आर नॉर्मल. होमोजाइगस म्यूटेटेड जो है वो डिजीज करता है. ये तो सभी में एप्लीकेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इट इज कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स. Caused due to abnormal metabolism of fatty acids which get deposited in the brain causing its degeneration. डिपॉजिटेड इन द ब्रेन कॉजिंग द हाई लेवल डैमेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉजिंग हाई लेवल डैमेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. The child gets paralyzed from brain and spinal cord. The child gets paralyzed up to the age of 3 to 4 years. ठीक है जी, एंड डाइज अगेन अप टू द एज ऑफ 4 to 5 years. मैम एंड क्या लिख रहा है? एंड डाइज, मर जाता है 4 से 5 साल की उम्र तक. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सिकल सेल एनीमिया. इसके बारे में तो कराने की जरूरत नहीं है. सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू कौन सा, कल भी मैंने बताया था, कौन सी सब्स्टिट्यूशन? ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. लिख लो फिर भी, कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. ठीक है जी, इन विच एबनॉर्मल बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड. एबनॉर्मल बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड इन विच एट 6th position ग्लूटेनिक एसिड. In which at 6th position, मतलब बीटा चेन जो है at 6th position ग्लूटेनिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लो GLU, जी कैपिटल एल यू छोटा ग्लू, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय विलाइन, ब्रैकेट में VAL, जी कैपिटल AL, ये शॉर्ट फॉर्म है, पता होना चाहिए विलाइन. मैम ग्लूटामिक एसिड की जो शॉर्ट फॉर्म वो क्या है? GLU इज सब्स्टिट्यूटेड बाय विलाइन, VAL.
ठीक है, द म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, द म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर ऑक्सीजन टेंशन, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन मतलब जब बहुत कम ऑक्सीजन है, अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन विच हैज ऑक्सीजन का भी लो ऑक्सीजन टेंशन TENSION विच हैज लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, फुल स्टॉप करके, इट ऑल्सो चेंजेस द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बायकनकेव टू सिक्कल शेप, सिक्कल होता है दात्री, फ्रॉम बायकनकेव टू सिक्कल शेप. It also changes the shape of RBC from biconcave to sickle shape. ठीक है जी, तो ये है सिकल सेल एनीमिया. होमोजाइगस नॉर्मल HbA HbA ये मैंने आपको बताया हुआ है, HbA HbA नॉर्मल, HbA HbS normal, HbS HbS sickle cell anemia. ठीक है जी, तो जिनको sickle, जो heterozygous है sickle cell anemia के लिए, उनको ये कहा जाता है कि पहाड़ों पे या high altitudes से ना जाएं जहां पर oxygen की कमी होती है. ओके, नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया, THALESEMIA. थैलेसीमिया पेशेंट्स आपको आजकल बहुत ज्यादा टीवी पे भी ऐड आती है कि ब्लड डोनेट करो, ब्लड डोनेट करो. जो ऑब्वियसली जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें तो चाहिए ही चाहिए है, बट जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए. ठीक है जी, तो ऑटोसोमल recessive genetic disorder, thalassemia is autosomal recessive genetic disorder of blood. Again, अगर हम TT की बात करें, नॉर्मल ये करें नॉर्मल बट कैरियर, ये थैलेसीमिक, ठीक है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑफ द जीन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऑफ द जीन. एक मिनट बेटा, ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट लिखिए. सिम्टम या रिजल्ट ऑफ द डिजीज या सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, फर्स्ट है reduced rate of
मैम रिपीट कर दो. रिड्यूस सिम्टम्स क्या है या इसका क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ द डिजीज कर सकते हो. रिड्यूस या लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, दोनों में से कोई चेन. मैम फर्स्ट वन रिपीट करना. फर्स्ट ही है बेटा कि इफेक्ट क्या है इसका. रिड्यूस या लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. मैम रिपीट कर दो. लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. सेकेंड पॉइंट आ जाइए. पेशेंट सफर्स फ्रॉम एनीमिया क्योंकि हीमोग्लोबिन होगा ही नहीं प्रॉपर. नेक्स्ट पॉइंट है इन अल्फा थैलेसीमिया. इन अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज formed in less amount और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन. डबल एल बीटा थैलेसीमिया टी एच एक मिनट टी एच एल ए डबल एस स्पेलिंग ठीक कर लेना एल ए डबल एस ई एम आई ए. बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन इज अफेक्टेड. प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड. मैम ज्यादा होते हैं कम होते हैं. कम होते हैं बेटा. अल्फा थैलेसीमिया में इन अल्फा या अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा थैलेस. नेक्स्ट पॉइंट करके अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HB1 एंड HB2 टू HBA1. Two closely linked genes HBA1 and HBA2 present on 16th chromosome. Present on 16th chromosome. Ma'am, beta thalamisia mala point dobara repeat karna. बीटा थैलेसीमिया की नहीं बात हम कर रही है, अल्फा थैलेसीमिया की बात हम कर रही है. जो इसके पहले जो पॉइंट बोला था आपने बीटा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. ठीक है जी. ओके मैम. उसके बाद मैंने बताया अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय two closely linked genes HBA1 and HBA2 present on 16th chromosome. Of each parent. And it is observed that deletion in
वन और बोथ द जीन्स. वन और बोथ द जीन्स कॉजेस अल्फा थैलेसीमिया. If one gene is affected, if one gene is affected, there is less disease. And if both the genes are affected, if both the genes are affected, then very few alpha chains will be formed. Next aa jaiye. Ho gaya beta. अगर एक ही जीन में जो है म्यूटेशन है तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा अल्फा चेन बन रही है, बट अगर दोनों जीन्स में म्यूटेशन है तो बहुत कम अल्फा चेन्स बन रही है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. मैम अगर वन है तो ज्यादा है. हाँ, पर अगर ज्यादा का मतलब नॉर्मल से ज्यादा नहीं, नॉर्मल से तो कम, बट कम डेफिशिएंसी है. और अगर दोनों जीन्स म्यूटेटेड है तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है अल्फा चेन. यू गेट मी? यस मैम. नेक्स्ट आ जाइए. बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय ए सिंगल जीन HBB. हीमोग्लोबिन अल्फा, हीमोग्लोबिन बीटा. HBB present on 11th chromosome. And formed by? Formed by the gene HBB, single gene HBB present on 11th chromosome. And beta थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया इज ड्यू टू डिलीशन इन HBB जीन. मैम क्या बोला? बीटा थैलेसीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन इन HBB gene. ठीक है. अगर यहां पे देखो ये जीन है, इसकी दो फॉर्म्स होंगी HBB. ये है नॉर्मल. अगर बेटा HBB एक नॉर्मल है, ये आ गई, दिस इज म्यूटेटेड, तो नॉर्मल बट लेस बीटा चेन्स आर फॉर्म. नॉर्मल से फॉर्म एज कंपेयर टू नॉर्मल. बट अगर हम देखें ये आ जाएगा, ये है थैलेसीमिक. वेरी फ्यू
beta chains are formed. मैम जो आपने अल्फा वाला एक्सप्लेन किया उस वो भी यही केस है ना वो भी यही केस है हाँ बट उसके दो जीन्स है ना फिर चार एलील्स हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे दस थैलेसीमिया एग्जिबिट्स पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इजंट इट थैलेसीमिया shows quantitative inheritance. ठीक है और यहां पे क्वेश्चन एक आ सकता है राइट डाउन वन क्वेश्चन लास्ट चीज आज के लिए व्हाट इज द डिफरेंस इन thalassemia and sickle cell anemia. Thalassemia and sickle cell anemia. Thalassemia is a quantitative disorder in which less hemoglobin is formed. Quantitative disorder in which less hemoglobin is formed and can be treated by transfusion of blood at regular intervals. Ma'am, ek bar repeat kar do. And it is a quantitative inheritance in which less hemoglobin is formed. It can be treated by transfusion of blood at regular intervals. Our next one dikhiye, sickle cell anemia is a qualitative disease. Ma'am, treated by transfusion of blood at regular intervals. जल्दी लिखा करो थोड़ा सा फास्ट करो अपनी स्पीड को नेक्स्ट है जी सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर इन विच एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड थैलेसीमिया में बनता तो नॉर्मल है ठीक है बट कम नंबर में बनता है हीमोग्लोबिन जबकि सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के बाद क्या बोला क्वालिटेटिव सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव इन विच एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ओके सो दिस दीज आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स ठीक है बाकी के मेन यही थे बाकी के जो थोड़े से रहते हैं वो हम कल करेंगे सेम टाइम 10:30 ओके ठीक है बाय बाय